मैं आपसे बताऊं, मैं रोज शो करता हूं, देश के तमाम कोनों में जाके पहुंच के शो करता हूं, लेकिन ना तो आज तक ऐसा शो आपने देखा होगा और ना मैंने कभी किया होगा। पूरे हिंदुस्तान को एक मुट्ठी में समेट कर मैं ले आऊं, ये शायद पहली बार संभव हुआ है। और आपकी निगाह जहां तक जाएगी, पूरा हिंदुस्तान आपको दिखाई पड़ेगा। और मैं आज बताऊंगा कि हिंदुस्तान के मतलब होता क्या है, मेले का मतलब होता क्या है, कुंभ के मतलब होता क्या है, कुंभ का असली सत्य क्या है। असली सत्य यह है मेरे दोस्तों कि हिंदुस्तान मुट्ठी में उतर आता है, लगता है कि एक ही जगह है। क्या है ये हिंदुस्तान, क्या बात है। आपको लगेगा कि क्या है ये, मैं अगर बोलना शुरू करूं और मैं पूछना शुरू करूं तो मैं पूछता पूछता थक जाऊंगा, मैं सारे लोगों से बात नहीं कर पाऊंगा। कोई कहीं राजस्थान से होगा, कहीं उत्तर प्रदेश से, कोई छत्तीसगढ़ से, कोई झारखंड से, कोई कहां से हैं आप? हाँ जी, सीधी जिला से आए हैं सर। सीधी जिला से आए हैं, कई लोग आए हैं सीधी जिला से? हम लोग 29 आदमी हैं सर। 29 आदमी हैं, और जो 29 आदमी में सबसे बड़े आदमी हैं वो ये हैं। क्या उम्र है इनकी? ये डेढ़ साल की है। डेढ़ साल की। आप कहाँ से आए हैं साहब? जयपुर से आए हैं। आप कहाँ से हैं? जी, आपकी आवाज, आपकी भाषा शैली की हम जी। लेकिन एक बात सारे लोगों में एक बात कॉमन है, वो ये कि सारे के सारे लोग भैया जी कहीं जरूर देखे। जी मैं आता हूँ दोस्तों, मैं बताऊं, मैं पिछले 24 घंटे में, पाजी ये आप और मैं जानता हूं कि मैं सच में मेला जीता हूं। मैं पिछले 24 घंटे में अगर सोया हूं, सिर्फ सोया हूं, तो शायद 10 मिनट भी नहीं है। आंख ने जबरदस्ती रोक लिया हो, आंखें मेरी ऐसी हो गई हो, तो अलग बात है। मैं सिर्फ आधे घंटे 24 घंटे में सोया हूं, उसी का परिणाम है कि गला मेरा साथ नहीं देता, क्योंकि मैं बोलता रहता हूं, बात करता रहता हूं, इसी का ही है। लेकिन मैं हिंदुस्तान बताना चाहता हूं, हिंदुस्तान दिखाना चाहता हूं, और वो कि इस समय जहां पर किनारे चूल्हे चलने लगे हैं और वो तमाम सारे लोग, उनका खाना बनने की तैयारी शुरू हो गई है, ये हिंदुस्तान है। जी मैं आया कहां से? हाँ बोलो भैया जी। हाँ हाँ, हस्बैंड आपका प्रोग्राम बहुत देखते हैं। हाँ, हाँ, इसलिए मैं फोटो लेना चाहती हूँ। हाँ, फोटो हस्बैंड को दिखाने के लिए। अच्छा, नहीं नहीं, वो ही मान जाएंगे अगर आप हमसे मिलेंगी, तो वही मान जाएंगे कि मिल के आई भैया जी से। आप झूठ, भैया जी झूठ नहीं बोलते। हाँ हाँ, मैं ले लूंगा। हाँ हाँ, ये कहाँ से हैं आप? हम लोग यहीं के हैं, करैली गौसनगर। हाँ तो रुकिए, मैं आ रहा हूँ। क्या नाम है बेटा? अलहम। और आपका? शाहिदा जी आई हैं। और आपको कुंभ कैसा लगा ये बताइए शाहिदा? बहुत अच्छा लगा, वही देखने आए थे। धक्का कोई नहीं देगा, मैंने कहा था ये हिंदुस्तान है, शाहिदा यहीं की रहने वाली हैं जी। और अगर आप बहुत कुछ सूंघना जानते हैं, बहुत कुछ देखना चाहते हैं, तो मैंने अकस्मात ऐसे ही पूछा। और ये आपको मुस्लिम नजर आएंगी, लेकिन ना, कुंभ में हिंदू नहीं होता, मुसलमान नहीं होता, कुंभ में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान होता है। कुंभ में सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान होता है। डेली देखते हैं प्रोग्राम जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं फोटो खिंचाऊंगा। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? अलम। तुम्हारा? फातिमा। मैं फातिमा अलम सबसे खिंचाऊंगा फोटो। मैं आऊंगा, मैं आया। भैया जी तो कहाँ चले जाए, भैया जी का बस चले तो दौड़ जाए। सचमुच आपको देख लिए हम। और मैं बैठो, और मैं बताऊं, सच में मैं टीवी पे तो बहुत चीजें दिखाता था, लेकिन पहली बार हिंदुस्तान दिखा रहा हूं मैं।